Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपके एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, और आज हम बात करेंगे मंडे का. हमने वीकली रिवीजन कर लिया है, आज ट्यूसडे की बात करेंगे जहां पर संडे मंडे सबकी न्यूज़ इंक्लूड की जाएगी. हमारे पास बहुत सारे न्यूज़ हैं, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और स्टार्टिंग करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ जो कंप्यूटर जी आपको यहाँ पर दिखाएंगे. तो मोटिवेशनल कोट आपके सामने यहाँ पर आएगा और आपको क्या बताएगा, देखिए यहाँ पर. हसल इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस. मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब यहाँ पर है कि सफलता जो है आपकी, आपकी सफलता आपके कॉन्फिडेंस से आएगी और आपका कॉन्फिडेंस शोर मचाना चाहिए. मतलब होता नहीं है कि चलो ठीक है, जो प्रीवियस डेज हमारा बीता, हमने काफ़ी प्रेशर झेला, हमने काफ़ी निगेटिव माइंडेड था हमारा काफ़ी, लेकिन अभी हमारी सफलता को शोर मचाना है, हमें ऐसा काम करना है. और ऐसा काम कैसे करना है? हमें जम के मेहनत करनी है, सबसे आगे रहना है, और जो दूसरे धीरे कर रहे हैं हमें उसे तेज गति से करना है ताकि हमारा गोल जल्दी अचीव हो जाए. चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और स्टार्टिंग करते हैं इंडेक्स के साथ. इंडेक्स में आपको हम डेज एंड इवेंट से लेके एक्स्ट्रा हाईलाइट तक पढ़ाने वाले हैं, ये सारी न्यूज़ हम कवर करेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और स्टार्टिंग करते हैं डेज और इवेंट से. तो डेज और इवेंट में हमारी पहली न्यूज़ क्या होगी, हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर. साउंड ठीक है आई थिंक? चलिए देखते हैं यहाँ पर. देखिए तो डेज एंड इवेंट में हमारी आज की पहली न्यूज़ जो है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई. तो विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई को सेलिब्रेट किया गया. आपको डे और थीम दो बातों पर ही ध्यान देना होता है, बाकी बातें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती. तो डे की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 20 मई. विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया जाता है. मैंने क्या बोला था, डे और थीम आपको ध्यान रखनी है. और थीम क्या है? द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फंडामेंटली बेटर. द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फंडामेंटली बेटर इसकी थीम थी. तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की हम बात कर रहे थे, थीम मैंने आपको बता दिया. डेज आप लोग याद रखते हैं कि नहीं याद रखते हैं? थोड़ा सा मैं टेस्ट लूंगा ताकि मुझे ये मालूम चले कि डेज आपको एग्जैक्टली में याद है. हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे. लेकिन एक न्यूज़ और है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड 20 मई एज वर्ल्ड बी डे. तो 20 मई को वर्ल्ड बी डे के तौर पर भी मनाया जाता है. ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं ताकि दो न्यूज़ आपको याद हो जाए.
चलिए बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की. तो नवंबर 9 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज, प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है. मैंने जानबूझ के नवंबर का पूछा है. अगर मैं आपसे अप्रैल या मई का पूछता तो शायद आपको अभी करंट याद होता, लेकिन अगर हम बात करते हैं 9 नवंबर की तो देखिए क्या इसका आंसर आप देंगे. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका वर्ल्ड लीगल सर्विस डे. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. तो वर्ल्ड लीगल सर्विस डे इज राइट आंसर. हम आगे बढ़े और एक और क्वेश्चन आप पूछते हैं, एक मौका आपको और देते हैं. व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, ये भी जरा बताइए मुझे क्या इसका आंसर होगा. कमेंट धीरे धीरे आ रहे हैं, है ना. और इसका आंसर क्या होगा, 2 फरवरी. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. गाइस आगे बढ़ेंगे और यहां पर सम इंपॉर्टेंट डेज इन मे 2019 की बात कर लें. मे में कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है. फर्स्ट मे वाला डे जो है इंटरनेशनल लेबर डे, ये काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है. इसके बाद देखें 5 मई वाला वर्ल्ड लॉटर डे, ये भी आपके एग्जाम में पहले पूछा गया. 3 मई प्रेस फ्रीडम डे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और अगर आगे हम बढ़ें वर्ल्ड अस्थमा डे, एग्जाम में आपके आने की पूरी उम्मीद होती है क्योंकि ये फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है. इसके बाद वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये आपको याद करना ज़रूरी है. तो ये कुछ डेज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि मई के पूरे डेज आपको याद करने चाहिए, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब स्पोर्ट्स की बात करेंगे. डेज और इवेंट में इतना ही, अब स्पोर्ट्स की बात करेंगे. स्पोर्ट्स में कौन कौन सी न्यूज़ लेकर आपके लिए आए हैं. तो हम पहले फॉर्मूला 4 का रेस की बात करेंगे. फॉर्मूला 1 तो मतलब एकदम टॉप लेवल का हो गया, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, फॉर्मूला 4, आइए उसकी हम बात करते हैं. देखिए स्नेहा शर्मा एक इंडियन रेसर है जिन्होंने थाईलैंड में कमाल कर दिया और S4 जो रेस होती है वो जीती है. आइए इनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी. देखिए इंडिया टॉप वुमेन रेसर स्नेहा शर्मा जंप इन टू द लीड, मतलब ये जीत चुकी हैं इन द लेडीज कैटेगरी आफ्टर राउंड 3 ऑफ द फॉर्मूला 1 साउथ ईस्ट एशिया चैंपियनशिप. ये कहां पर हो रहा था, तो फॉर्मूला 4 साउथ ईस्ट एशिया चैंपियनशिप ये चांग इंटरनेशनल सर्किट थाईलैंड में हुआ. फिर से देख लीजिए यहां मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्मूला 4 साउथ ईस्ट एशिया चैंपियनशिप कहां पर हुई, चांग इंटरनेशनल सर्किट, और इसमें इंडिया की स्नेहा शर्मा ने इसमें जीत दर्ज की, ठीक है. इतना ही पॉइंट आपको लर्न करना है, यही पॉइंट बस. और आगे आपको मैं हमेशा आपको करंट अफेयर्स में कौन से पॉइंट स्किप करने होते हैं ये सिखाने की कोशिश करता हूं. अब नीचे वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये मालूम चल गया कि कौन सा रेस था फॉर्मूला 4 साउथ ईस्ट एशिया चैंपियनशिप कहां पर हुआ, चांग इंटरनेशनल सर्किट थाईलैंड, कौन जीता, तो इंडिया की स्नेहा शर्मा. इतना ही याद करना है बस, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक क्वेश्चन है आपके सामने. विच स्पोर्ट्स बॉडी अनाउंस दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एन ऑल फीमेल रेफरी टीम विल टेक चार्ज ऑफ अ मेंस कॉन्टिनेंटल क्लब कप क्लैश. किस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि पहली बार कोई महिला रेफरी टीम पुरुषों के कॉन्टिनेंटल क्लब कप क्लैश की जिम्मेदारी संभालेगी, मतलब कंप्लीट महिला रेफरी टीम्स होंगी. तो ये क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए. इसका आंसर होगा एशियाई फुटबॉल संघ, एशियाई फुटबॉल कन्फेडरेशन. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. ये बढ़िया रिवीजन आपका इससे हो जाएगा. और अगर आगे बात करें तो थाईलैंड की बात करते हैं, बिकॉज थाईलैंड न्यूज में था. तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है बहत, प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चान ओचा, और इसके नेबर कंट्री कौन से. तो थाईलैंड की नेबर कंट्री कौन से है, मलेशिया, म्यांमार जिसे पहले हम बर्मा के नाम से जानते थे, कंबोडिया एंड लाओस. मैं आपको मैप पे दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए. तो अगर हम थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में देखिए म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये 3 देश तो थाईलैंड को घेरे हुए हैं और इधर मलेशिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. अब ये चारों देशों की करेंसी कैपिटल इंपॉर्टेंट हो गई है तो हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लाओस एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ लाओस. लाओस की कैपिटल और करेंसी क्या है, आपको कमेंट में पूरे ईमानदारी के साथ आंसर कर रहे हैं. अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे यकीन मानिए आपका स्ट्रेटजी काफी स्ट्रांग हो जाएगा, कोई नकल नहीं करना है, पूरी ईमानदारी बरतनी है. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर VNTNA एंड KIP. तो लाओस की कैपिटल एंड करेंसी आपके सामने आपको दिखाई पड़ रही है ना. अगर आगे बात करें हम लोग तो व्हाट इज द करेंसी एंड कैपिटल ऑफ कंबोडिया. तो कंबोडिया की करेंसी और कैपिटल क्या है, ये आपसे पूछा गया है, पूरे ईमानदारी के साथ आपको आंसर देना है इसका. और इसका याद देखिए, जो बच्चे इसे देख रहे हैं अगर आपको याद नहीं है तो कमी है ये, इसे बिल्कुल नेगेटिव मत लीजिए, ये पॉजिटिव लीजिए कि हाँ आपको ये याद करना है, ये चीज समझिए इस बात को, ठीक है. और इसका आंसर रियल RIEL करेंसी है. और अगर हम बात करें कैपिटल की तो फोम पेन इसकी कैपिटल है, याद होगा मेरे ख्याल से आप लोग को, आपके ये सब तो इंडिया के आसपास की कंट्रीज हैं तो आपने याद कर लिया होगा. आगे बढ़े, व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार एंड कैपिटल ऑफ म्यांमार. तो म्यांमार की करेंसी एंड कैपिटल क्या है, तो म्यांमार की करेंसी और कैपिटल देखिए, करेंसी है क्यात और कैपिटल है निपिद्या.
तो ये हमको पता ही है, ये सब हमने पढ़ा, ये पहले ही पढ़ा है, तो हमें याद होगा, ठीक है। चलिए, तो कैपिटल करेंसी हर देश की आपको लर्न हो जाएगी, इस तरीके से ये हमारा टारगेट है, ठीक है। थोड़ा टाइम कम था इसलिए ऑप्शन में नहीं दे पाया, बिकॉज पूरा कंटेंट बनाने में टाइम लगता है और हमारा कंटेंट होता ही इतना बड़ा है कि कम से कम 4 घंटे लगते हैं, तो मॉर्निंग हो जाती है, सुबह हो जाती है, तो हम बना नहीं पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स में आज नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो विराट कोहली फर्स्ट क्रिकेटर विथ 100 मिलियन फॉलोअर्स। तो विराट कोहली पहले मतलब इंडिया और वर्ल्ड में पहले क्रिकेटर बन गए जिनके फॉलोअर्स 100 मिलियन हो चुके हैं सोशल मीडिया पे। और ये क्या, ये मतलब अगर हम टॉप की बात करें तो क्रिकेटर हैं, अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो देखिए कितने पीछे हैं विराट कोहली। देखिए, विराट कोहली इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड एवर टू ब्रेक इन टू द 100 मिलियन कैटेगरी फॉर फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, ये तो मालूम चल गया। चलिए अब टॉप पर कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जरा फैन फॉलोइंग देखिए, देखिए इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन ऑन सोशल मीडिया विद 77 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, 122 मिलियन ऑन फेसबुक एंड 166 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। देखिए ये कमाल देखिए। हालांकि आपसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डेटा पूछा नहीं जाएगा, परेशान ना हो, याद मत करिएगा इसे, बस विराट कोहली का याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये फर्स्ट क्रिकेटर बने। और मैंने हमेशा बोला जिस न्यूज़ में फर्स्ट लग गया वो इंपॉर्टेंट हमेशा हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। अरे तुम लोग भी मुझे कम से कम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अपनी भी थोड़ी फैन फॉलोइंग हो जाए, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। तो हु बैग्ड द इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बैट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड ड्यूरिंग द CH क्रिकेट रेटिंग इंटरनेशनल अवार्ड 2019। इट इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आज का, आइए क्या इसका आंसर होगा। और इसका आंसर होगा विराट कोहली, हम सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। स्पोर्ट्स में कुछ और परीक्षा में आपकी लूंगा। एक दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड नंबर 1 केंटो मोमोटा रिटेन हिज बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप टाइटल इन विच सिटी। मतलब कि एशियन चैंपियनशिप टाइटल बैडमिंटन कहां पर हुई जिसे केंटो मोमोटा ने जीता। तो मैंने कुछ दिन पहले इसे बीजिंग आपको बताया था, तो मैं अपने शब्द से वापस लेता हूं और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वुहान होगा। तो वुहान ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। एक परीक्षा आपकी और, हाउ मैनी मेडल डिड इंडिया विन इन द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे, मैंने ये आपको पढ़ाया है और आपको इसका राइट आंसर देना है। हाँ सत्यम, आपने आप तो हाँ ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 13। तो इंडियन बॉक्सर ने टोटल 13 मेडल जीते एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। चलिए ऐसे ही आपका हम रिविजन कराते रहेंगे, आप हमारा साथ बनाए रखें। आइए आगे बढ़ते हैं और अब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी, तो एक छोटी सी न्यूज़ मैं आपको दे दूँ यहाँ पर। देखिए तो यूनाइटेड स्टेट नेवी डिस्ट्रॉयर सेल्ड इन साउथ चाइना। तो साउथ चाइना में अभी यूएस के जो युद्ध नौकाएं हैं उन्होंने गश्त लगाई। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये, न्यूज़ बस आप देख लीजिएगा, हम आपको रिवीजन करा देते हैं, रिवीजन जरूरी है करना। देखिए तो आपको बताया कि सऊदी गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिविलेज इकाम स्कीम फॉर एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर एंड स्किल एक्सपर्टीज अप्रूव टू स्टिमुलेट द नेशनल इकॉनमी। तो आपको पता है कि अभी सऊदी अरेबिया ने कुछ लोगों को देश का परमानेंट नागरिक बनने का अधिकार दिया। जरा इसी बंद कर दिएगा मीटर जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं। जेफरी रॉसन वॉज कन्फर्ड एज द यूनाइटेड स्टेट लेटेस्ट डिप्टी अटॉर्नी जनरल। मैं ये न्यूज़ आपको पढ़ा चुका हूँ और आपको ये याद भी होगा शायद। आगे बढ़े और आज के तीसरे न्यूज की बात करें। ताइवान बिकम द फर्स्ट ऑफ एनी एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज विद द पैसेज ऑफ लेजिस्लेशन गिविंग गे कपल द राइट टू मैरी। ठीक है, तो ये भी आपको याद होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट न्यूज पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने क्या यहां पर आएगी, ये रिविजन वाली बात है केवल, ठीक है। देखिए तो आपको मैंने बताया था कि CTBTO ने इंडिया को CTBT का एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस देने की बात बोली है और इंडिया को ऑफर किया है, ये भी आपको शायद याद होगा, ठीक है। आगे बढ़ें और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया था कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड को चेंज कर दिया है एक मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम, जिसमें कुछ मैंने आपको बताए थे कुछ पैरामीटर होंगे, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, एक बार रिवीजन करने वाली बात है। हमारे PDF में सारी चीज़ें होंगी, आप आराम से बैठ के रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इंटरनेशनल अफेयर्स में आज के दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं। सुषमा स्वराज की बात करते हैं, ये किर्गिस्तान जाएंगी। ये किर्गिस्तान क्यों जाएंगी इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज विल विजिट किर्गिस्तान ऑन 21 मई।
किर्गिस्तान की जाएंगी, मतलब अगर आज की बात करें तो ये आज जाएंगी. शी विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द टू डे मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये समिट, ये इवेंट कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ, ये किर्गिस्तान में हुआ, आपको ये भी याद रखना है. इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी हमारी फॉरेन मिनिस्टर, ऑफकोर्स वही जाएंगी, सुषमा स्वराज जी. तो अब क्वेश्चन किस तरह बनेगा वो मैंने आपको आइडिया दे दिया और आपको इस तरह ही लर्न करना है. ठीक है, देखिए, तो अगर किर्गिस्तान की बात करें तो कैपिटल बिश्केक इसकी है, करेंसी किर्गिस्तानी सोम है, प्रेसिडेंट सोरोनबे जीन बेकोव हैं और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद तिकली अब्दुल गाजियेव हैं. तो ये तो आपको हमने पूरी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे दी. अगर किर्गिस्तान के हम नेबर कंट्री की बात करें तो किर्गिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री, ये लैंडलॉक कंट्री है विथ माउंटेन्स टेरन. इट इज बॉर्डर्ड विथ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड चाइना. तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया. पहले मैं मैप आपको दिखाऊंगा, मैप नहीं है, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, मैप नहीं है, आपको क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कजाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान एंड व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ताजिकिस्तान. तो अब आपको इसका आंसर देना है, पूरी ईमानदारी श्रद्धा भक्ति के साथ अपना आंसर दीजिएगा और कोई जय बजरंगबली नहीं, जय माता दी नहीं. इससे सीखिए कि अभी तक आपने ये चीज छोड़ी हुई है और आप अगर इसका आंसर दे पा रहे हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप करिए. और मैंने क्या बोला था कि सफलता जो आपकी है ना वो शोर मचानी चाहिए. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, अगर हम कजाकिस्तान की कैपिटल करेंसी की बात करें, नूर सुल्तान, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, नूर सुल्तान. एंड अगर करेंसी की बात करें, टेंग. अगर हम उज्बेकिस्तान की कैपिटल करेंसी की बात करें तो ताशकंद कैपिटल एंड सोम इसकी करेंसी है. और तजिकिस्तान की बात करें तो कैपिटल दुशानबे एंड करेंसी यहां पर दो चलती करेंसी, एक रूबल चलती है, हालांकि रूबल यहां की प्रॉपर करेंसी नहीं है, सेमानी यहां की प्रॉपर करेंसी है. ठीक है, तो यह भी हमने आपको दिखा दिया. चलिए आगे बढ़ते हुए आपको किर्गिस्तान का मैप अब दिखाते हैं. तो अब देखिए, यहां पर एक साइड में कजाकिस्तान यहां पर आपको दिख रहा है, इधर चाइना आपको दिख रहा है, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये देश किर्गिस्तान को घेरे हुए हैं. अब चाइना की कैपिटल करेंसी आई थिंक वो तो आपको लर्न ही होगी, तो वो मैं करा नहीं रहा आपको. ठीक है, जिन बच्चों को लर्न नहीं है तो वो थोड़ा सा देख लेंगे चाइना की करेंसी क्या है और कैपिटल क्या है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. लिस्ट ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन एट इंटरनेशनल लेवल. तो इसमें से कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हैं जिनके हेडक्वार्टर आपके एग्जाम में पूछे आ सकते हैं. तो स्टार्टिंग के जो आप ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. चाहे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाहे हम ब्रिक्स बैंक की बात करें जिसका एक नाम और भी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर शंघाई में है. एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और सार्क का काठमांडू में. ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों इंपॉर्टेंट है और आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं. अच्छा, एशियान आपका इंपॉर्टेंट है जकार्ता इंडोनेशिया में. एपेक चाहे तो याद कर सकते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्जाम में से पूछा गया, ये भी पूछा गया. बिम्स्टेक कई बार एग्जाम में पूछा गया, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग में. मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलूंगा आपको ये सब लर्न होने चाहिए. आप भले एक बार प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के नाम छोड़ सकते हैं लेकिन हेडक्वार्टर तो पढ़ लीजिए, आपके स्टैटिक में आएगा, क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में आता है. चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में. एक और न्यूज़, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लेकिन हमें कवर करना था तो हमने आपको ये न्यूज़ दी है. स्टारबक्स कंपनी का नाम आपने शायद सुना होगा. तो स्टारबक्स कंपनी ओपन साइलेंट कैफे इन चाइना. साइलेंट कैफे का मतलब यहां पर मोस्टली जो एम्प्लॉय हैं वो सुन नहीं सकते. आइए देखिए, यहां पर Starbucks has opened a silent cafe in the Chinese city of Guangzhou where about half of the staff are hearing impaired. देख लीजिए, तो Starbucks ने चीनी शहर के ग्वांगझू में एक साइलेंट कैफे खोला जहां लगभग आधे कर्मचारी सुनने में असक्षम है. ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पीपल. आपको शायद यह न्यूज सुनने में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हो लेकिन जब कभी कोई न्यूज सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पर होते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये सोशल इश्यूज पे क्वेश्चन है. मतलब जो ऐसे लोग हैं जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाएगी. तो स्टारबक्स और चाइना ग्वांगझो ये आपको लर्न करना है. और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तो स्टारबक्स की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है. स्टारबक्स का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन, ये अमेरिकन यूएस कंपनी है. ठीक, और इसके की पीपल हैं मैरियन ई उलमैन चेयरमैन. हालांकि ये याद करना जरूरी नहीं है लेकिन स्टारबक्स कंपनी कहाँ की है ये आपको पता होना चाहिए, यूएस कंपनी है. ठीक है,
चलिए आगे बढ़े और आपको अब इंटरनेशनल अफेयर्स में एक न्यूज की बात हम और करें। तो रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन तो होगी। रोहिंग्या क्राइसिस मतलब रोहिंग्या जो मुस्लिम्स लोग थे जो म्यांमार से निकले और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, जिन्होंने बंगाल में और इंडिया मतलब बांग्लादेश में और इंडिया में शरण ली, तो बांग्लादेश में काफी ज्यादा मात्रा में लोग वहां पर गए। तो यूनाइटेड नेशन ने आइडेंटिटी कार्ड जारी किया ताकि बांग्लादेश अपने डेटा को मैनेज कर पाए। देखिए यहां पर ओवर 2.7 लाख रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन बांग्लादेश हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, सेवरल गेटिंग आइडेंटिटी कार्ड एज द फर्स्ट एवर प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने इसमें मीडिएट किया और इन्होंने रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो हैं इनको जो इनकी संख्या 2.7 लाख, इनको आइडेंटिटी कार्ड दी ताकि बांग्लादेश जो है ये इंप्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ डेटा, ये अपने डेटा को इंप्रूव कर सकें कि एग्जैक्टली में कौन रिफ्यूजीज के तौर पर रह रहा है बांग्लादेश में। तो ये पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन किया, जब भी किसी देश में इतने बड़े नंबर्स में रिफ्यूजी आ जाते हैं तो उस देश की इकोनॉमी का बैठना तय है, बिकॉज इन्फ्लेशन हाई हो जाता है वहां पर। फिलहाल बांग्लादेश ने अच्छे से मैनेज किया। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, हम क्वेश्चन आपको जरूर दिखाएंगे। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाई द इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन बांग्लादेश। इसमें से कौन सा ऑपरेशन बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है इंसानियत, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज वेयर कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एट तांगिल बांग्लादेश फ्रॉम 2 मार्च टू 15 मार्च, यानी एक डिफेंस एक्सरसाइज पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा संप्रीति, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये तो आपको लर्न ही होगा। चलिए आगे बढ़े और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। नासा काफी आगे रहता है हमेशा और ये यूएस का है ही है कि मैंने हमेशा बोला आपसे कि आपको कुछ सीखने की जरूरत है। तो यूट्यूब पर एक सीरीज आती है अ मैन हु बिल्ट अमेरिका, आप देखिए इसमें जितने भी अमेरिका के बिजनेसमैन कैसे अमेरिका को डेवलप किया, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन हालांकि आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद देखिए, कभी देखिएगा इसे बैठ के आराम से, आपको काफी मोटिवेशन भी मिलता है इससे। देखिए नासा न्यू रोबोट गॉट फर्स्ट हार्डवेयर चेक, अब नासा का नया रोबोट ने पहली हार्डवेयर चेक की, ये क्या है मतलब पूरा किया न्यूज़ है, आइए आपको दिखाते हैं आगे। देखिए एस्ट्रोबी, तो नासा का जो ये रोबोट है इसका नाम क्या है, एस्ट्रोबी। एस्ट्रोबी अ फ्री फ्लाइंग रोबोट सिस्टम हैज हैड इट फर्स्ट हार्डवेयर चेक ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहली बार इसका हार्डवेयर चेक किया गया, नासा का एक रोबोट था एस्ट्रोबी। एग्जैक्टली में एस्ट्रोबी 3 अलग अलग रोबोट से मिलकर बना है और ये 3 रोबोट कौन कौन से हैं, देखिए हनी, क्वीन एंड बम्बल। तो इन तीनों रोबोट को एक किया गया, इसका ट्रायल किया गया और फिर इसका नाम एस्ट्रोबी दिया गया। तो एस्ट्रोबी एक रोबोट है जिसने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हार्डवेयर की जांच की, कहां पे प्रॉब्लम है कहां पे नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको एस्ट्रोबी नाम याद रखना है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हार्डवेयर को चेक किया इसने, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आइए यहां पर स्पेस से जुड़े हुए न्यूज हैं जिनका रिवीजन आपको करना है, आप देख लीजिएगा आराम से, हमारे पास ये हमारे पीडीएफ में पड़ा होगा, ठीक है। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा और हमारा टाइम थोड़ा कम होता है, ठीक है। चलिए नासा की बात करें तो नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और अगर एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जिम बेंडरस्टाइन इसके एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में आज के दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं। जब भी कोई कंपनी अपना कोई प्लेटफॉर्म, अपना कोई प्रोडक्ट, अपना कोई एप्लीकेशन शट डाउन करता है तो वो हमेशा एग्जाम में देखने को मिला है, तो ये न्यूज़ इसीलिए इंपॉर्टेंट है। गूगल टू शट डाउन जंप वीआर इन जून, तो जून में जंप वीआर को बंद कर देगा गूगल। वीआर का मतलब आपको पता है, वीआर ग्लासेस होती हैं, है ना। चलिए उसकी बात करते हैं, ड्विंडलिंग यूजर बेस has forced Google to shut down its Jump virtual reality platform. तो Google ने घटते उपयोगकर्ताओं के चलते अपने Jump virtual reality platform को बंद करने का फैसला किया है। Jump virtual reality platform, ये आपको लर्न होना चाहिए। It would go offline by the end of June 2019. तो जून के लास्ट में इसे बंद कर दिया जाएगा और ये 2015 में लॉन्च किया गया था। जंप वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म को 2015 में लॉन्च किया गया था और 2019 में इसे बंद कर दिया जाएगा। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, गूगल के बारे में बात कर लें तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में है। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और सीएफओ है रूथ पोरेट, देख लीजिए यहाँ पर सीएफओ भी है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंडस्ट्री हेड ऑफ गूगल इंडिया रिसेंटली. तो हाल ही में गूगल इंडिया के उद्योग प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया. तो शी वॉज एन एक्ट्रेस, आपको इनका नाम पता होगा, इनका नाम है मयूरी कांगो. और इनका गाना भी आपने सुना होगा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कंप्यूटर, जी आपने सुना होगा ना ये. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट नेशनल अफेयर्स की. तो नेशनल अफेयर्स में आपको हम क्या क्या बताएंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, देखिए तो जम्मू एंड कश्मीर यूथ सेलेक्ट फॉर AYIMUN कॉन्फ्रेंस. अब ये AYIMUN कॉन्फ्रेंस क्या है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, देखिए बांदीपोरा यूथ मुदासिर नाजीर वानी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द एशिया यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस. तो एशिया यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के लिए जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है बांदीपुरा, वहाँ के एक यूथ मुदस्सिर नज़ीर वानी को सेलेक्ट किया गया. ही वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम मोर देन 33,000 एप्लीकेंट अक्रॉस द ग्लोब. तो ये भी आपने मोहम्मद असफ, तुम क्यों नहीं सुनोगे, तुम्हें तो बढ़िया ये सब में इंटरेस्ट काफ़ी है ना, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा. चलो तो हाँ, ये चीज मैंने आपको बता दी है. ठीक है, तो एशिया यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए चुना गया है, तो ये देख लीजिएगा. ठीक है, चलिए जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, थोड़े स्टैटिक पॉइंट की बात यहाँ पे कर लेंगे. तो जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल श्रीनगर, और जम्मू होती है मतलब कि गर्मी ठंडी वाला मसला यहाँ पर है. ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट 22 है, गवर्नर सत्यपाल मलिक है, चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है, आपको ये पता ही है. अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा भी है, विधानमंडल भी है, इसीलिए इसे हम बाई कैमरल बोलते हैं. अगर यह केवल यूनी कैमरल होता तो इस स्टेट में केवल विधानसभा होती, विधान परिषद न होता, लेकिन यह बाई कैमरल है. 87 सीट इन द असेंबली एंड 36 सीट इन द काउंसिल. ठीक है, तो ये हमने आपको पढ़ा दिया. अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो राज्यसभा में 4 सीट हैं और लोकसभा में 6 सीट है. वैसे भी अभी एग्जिट पोल चल रहा है, 23 को रिजल्ट आने वाला भी है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज़ पर. और नेक्स्ट न्यूज़ आपको हम यहाँ पर क्या देंगे, देखिए यहाँ पर तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, द विच टनल प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर कारगिल एंड ले. तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा पास टनल परियोजना श्रीनगर कारगिल और लेह के मध्य हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जोजीला पास टनल प्रोजेक्ट इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इज हाउ मेनी ईयर. जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा की अवधि कितने वर्ष की होती है. भाई हमारे यहाँ तो 5 साल की होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा की बात करें तो 6 ईयर का यहाँ पे टर्म होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और, हु वॉज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1947. तो मेरे ख्याल से आपको ये याद होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर किंग हरी सिंह, राजा हरी सिंह होंगे इनका सर. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हुए आपको नेशनल अफेयर्स में आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दें. जी हाँ, आपने सही सुना, आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, केरला फर्स्ट स्टेट टू लिस्ट मसाला बॉन्ड. आपको बताया कि केरला में भी फ्लड आया था और केरला का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो केरला को इंफ्रा डेवलप करने के लिए लोन की ज़रूरत है. तो केरला ने इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में मसाला बॉन्ड जारी किया है. मतलब अगर मान लीजिए मैं US का इन्वेस्टर हूँ और मैं केरला के मसाला बॉन्ड में परचेस करता हूँ तो मुझे रिटर्न मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और मैंने लोन दिया है तो एक टाइम पीरियड के बाद मेरा पैसा मुझको वापस भी मिल जाएगा. ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं. देखिए केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू टैप इनटू मसाला बॉन्ड मार्केट बाय लिस्टिंग द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड मसाला बॉन्ड इन लंदन स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट. तो केरला हमारे पूरे इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जिसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपना केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड मसाला बॉन्ड को लिस्टेड किया है. मतलब कि कोई भी पर्सन लंदन स्टॉक एक्सचेंज से इसे परचेस कर सकता है, और इस मसाला बॉन्ड का टेन्योर है 5 साल, मतलब 5 साल के लिए उधार ले केरला, और केरला इसमें 9.723% का इंटरेस्ट भी देगा पर एनम. तो केरला बोरिंग कर रहा है. अब बात करते हैं कि केरला ने कितनी बोरिंग की या केरला का टारगेट कितना है बोरिंग करने का, हम इसकी थोड़ी बात करते हैं. ठीक है, देखिए यहां पर तो केरला की बात करें तो केरला ने 2,150 करोड़ रुपीज मार्केट से बोरिंग भी कर ली है, और केरला का प्लान है पूरा 5,000 करोड़ रुपीज की बोरिंग करने का. तो ये भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हमने आपको दे दी. तो ये 5,000 करोड़ वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा.
आगे बढ़ते हुए आपको एक क्वेश्चन की बात करते हैं. रिजर्व बैंक परमिटेड मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट इन रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड पॉपुलरली नोन एज मसाला बॉन्ड इशूड बाई इंडियन एंटिटीज. फर्स्ट टाइम मसाला बॉन्ड वॉज इशूड बाई. तो मसाला बॉन्ड को सबसे पहली बार एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको अपना घर बेचना है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप एक ब्रोकर अपॉइंट करते हो. तो वैसे ही जब इंडियन कंपनीज या हमारी गवर्नमेंट मसाला बॉन्ड को बेचना चाहेगी तो इंटरनेशनल मार्केट पर उसे एक ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ेगा. तो ये ब्रोकर कौन है मसाला बॉन्ड का, ये आपसे पूछा गया. तो मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ाया है और वर्ल्ड बैंक की एक बॉडी है आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. तो आईएफसी मसाला बॉन्ड की ब्रोकर है, हमारे इंडिया के मसाला बॉन्ड की ब्रोकर है, याद कर लीजिएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नॉट आईएमएफ आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. ये वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मसाला बॉन्ड क्या है, याद कर लीजिएगा मसाला बॉन्ड क्या है. ये एक रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर टू. तो ये रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब केरला की बात कर लें तो सेलेक्ट द पेयर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम केरला. तो केरला के दो क्लासिकल डांस हैं आपको पता है, और एक क्या इसका आंसर होगा, तो एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम. ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पॉइंट की. हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लोकसभा आर रिप्रेजेंटेड बाई केरला. तो केरला लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है. इसकी वायनाड सीट से राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 20. तो 20 लोकसभा सीट्स हैं यहाँ पर. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे रिपोर्ट और इंडिसेस की. रिपोर्ट और इंडिसेस में एक पॉइंट है आपको बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या इसका है. तो ग्लोबल ड्रग सर्वे को रिलीज किया गया है और हम केवल इंडिया की बात यहाँ पे करेंगे. देखिए द ग्लोबल ड्रग सर्वे फाउंड दैट इंडियन आर सीकिंग हेल्प टू रिड्यूस देयर अल्कोहल इनटेक विच रिफ्लेक्ट एन अवेयरनेस ऑफ एब्यूज. तो ग्लोबल ड्रग सर्वे ने बताया है कि जो इंडियंस हैं जो कि लिकर के आदि हैबिचुअल हो चुके थे तो लिकर को छोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया है और ये साबित करता है कि इंडियंस अवेयर हो रहे हैं इसके बारे में. About 6% of the female Indian surveyed reporting seeking emergency medical treatment in the last 12 months. तो अंतिम 12 महीनों में करीब 6% females ने emergency medical treatment लिया है लिकर को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए. भाई विश है, बिल्कुल सही बात है, छोड़ना भी चाहिए. तो अब ये पॉइंट तो हमने आपको दिखा दिया, अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो देखिए. Which of these countries topped the 2019 index of cancer preparedness? इनमें से कौन सा देश कैंसर तत्परता सूचकांक में सबसे ऊपर है, चलिए आंसर दीजिए. और अगर आपको इंडिया की रैंक मालूम है तो कमेंट भी करिए. ठीक है, वैसे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 4. इंडिया की रैंक अगर आपको पता है तो वो भी बता दीजिए आप. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे दूसरे क्वेश्चन की. विच ऑफ दीज कंट्रीज टॉप द स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग फॉर 2019. और इसमें भी अगर इंडिया की रैंक आपको पता है तो बता दीजिएगा. वैसे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यूनाइटेड स्टेट्स होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका सही आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. और यहां पर हम ऑर्बिटरीज की बात करेंगे, आज से आज की सबसे दुखद न्यूज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. आगे देखिए यहां पर, तो अगर हम बात करते हैं एक पर्सन की, इनका नाम था लियो मिंग पे, हु वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द बोल्ट लोअर पिरामिड इन पेरिस डाइड इन मे 2019. आप पेरिस नहीं गए होंगे तो आपने ये देखा नहीं होगा, लेकिन हम लोग एक बार जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो थोड़ा सा चलेंगे घूमने. हाँ, यूरोप टूर करना है, मेरा भी सपना है, तो पेरिस जाएंगे तब ये देख लेंगे. फिलहाल तो पेरिस में एक पिरामिड है, शीशे की पिरामिड है, उसको बनाने वाले जो आर्किटेक्चर थे इनका नाम था लियो मिंग पे, इनका निधन हो गया. और ये जो पिरामिड है इसका नाम क्या था, इसका नाम था बोल्ट लोअर पिरामिड, इनका निधन हो गया. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. अगर इसके बाद की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 23rd प्राइम मिनिस्टर एंड लेबर इल्डर स्टेट्समैन बॉब हॉक का भी निधन हो गया है, और ये सबसे लंबे टाइम तक ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर होने का रिकॉर्ड भी इनके पास है. अगर आगे बढ़े, योगेश चंद्र देवेश्वर, ये ITC के लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन थे, इनका भी निधन हो चुका है. ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ थी. आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे एग्रीमेंट और MOU की. तो एग्रीमेंट और MOU में आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं वो देखिए. तो ताज सिंगापुर साइन रुपीज 4000 करोड़ पार्टनरशिप. हालांकि कल के MCQ में मैं ये कवर कर चुका हूँ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी शनिवार का डेटा है तो मुझे देना पड़ेगा आपको. देखिए, तो इंडियन होटल्स कंपनी विच रन होटल्स अंडर ताज विवांता एंड जिंजर ब्रांड पार्टनर विद द सिंगापुर वेल्थ फंड GIC टू इन्वेस्ट 4000 करोड़ फॉर बाइंग होटल्स इन इंडिया.
तो इंडियन होटल्स कंपनी, इसमें बेसिकली ताज, विवांता और जिंजर ब्रांड के होटल्स हैं, तो इन्होंने सिंगापुर के जीआईसी के साथ एक एग्रीमेंट किया है और जीआईसी से ये 4,000 करोड़ रुपीज़ लेंगे और इंडिया में होटल्स को परचेस करेंगे। यानी कि इंडिया में जब ये होटल्स को परचेस करेंगे तो सबका ज्वाइंट वेंचर होगा और इन होटल में द इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन होटल्स इन द एक्विजिशन विल बी 30% एंड जीआईसी विल बी 70%। यानी कि जो भी नए होटल इंडिया में परचेस किए जाएंगे उसमें 70% जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो जाएगा जीआईसी को और 30% इंडियन होटल्स जो हैं ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ एमसीक्यू फॉर्म में, बट मैंने और डीप में इसको दे दिया। ठीक है, ताज होटल की बात करें तो 1903 में इसे फाउंड किया गया, जमशेद जी टाटा के फाउंडर थे, हेडक्वार्टर नरीमन पॉइंट मुंबई। और अगर हम बात करते हैं की पीपल की तो एन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन हैं और पुनीत छटवाल इसके एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एग्रीमेंट और एमओयू में आज के दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं। टेक महिंद्रा पार्टनर्ड विथ रॉकेटेन। रॉकेटेन कंपनी क्या है? ये एक ऐसी कंपनी है जो कि डिजिटल पब्लिकेशन कंपनी है, आपको डिजिटली कंटेंट देती है। और टेक महिंद्रा और इनके बीच में एग्रीमेंट से फ़ायदा क्या होगा? टेक महिंद्रा इनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा और इन सॉफ्टवेयर पर ये अपने कंटेंट पब्लिश करेंगे। देखिए आप, टेक महिंद्रा एंड फ्रेंच डिजिटल कंटेंट पब्लिशर फर्म, इसका नाम है रॉकेटेन एक्वाफेडस, साइंड एन एमओयू टू कोलैबोरेट ऑन बिल्डिंग इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफरिंग। समरी क्या है मैंने आपको बता दिया, टेक महिंद्रा रॉकेटेन एक्वाफेडस के लिए सॉफ्टवेयर्स पोर्टल्स डिज़ाइन करेंगे और रॉकेटेन एक्वाफेडस उस पर अपने डिजिटल कंटेंट पब्लिश करेगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब यही निकलता है पूरा। ठीक है, तो इसमें जाइए मत, केवल कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। हम आगे बढ़ें और बात करते हैं टेक महिंद्रा के बारे में। तो टेक महिंद्रा का हेडक्वार्टर पुणे में है, 1986 में से फाउंड किया गया था और आनंद महिंद्रा चेयरमैन है और सीपी गुरुनानी एमडी और सीईओ है टेक महिंद्रा के। ठीक है, और अगर आगे बढ़े रॉकेटेन की बात कर ले, रॉकेटेन के फाउंडर थे हिरोशी मिकिटानी, 1990 से बनाया गया, हेडक्वार्टर इसका टोक्यो जापान में है और हिरोशी मिकिटानी इसके चेयरमैन और सीईओ भी हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं एग्रीमेंट और एमओयू में। हम बीएसएनएल पार्टनर्ड विद गूगल की बात करेंगे, तो बीएसएनएल ने गूगल के साथ एग्रीमेंट किया है सबको फ्री में इंटरनेट देने के लिए। देखिए यहाँ पर, तो आपको ले चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर और नेक्स्ट न्यूज़ में आपको हम दिखाते हैं सारे पॉइंट। देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड पार्टनर्ड विद गूगल ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टेलीकॉम डे। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपेंड बीएसएनएल वाईफाई फुटप्रिंट इन द कंट्री। बीएसएनएल वाईफाई फुटप्रिंट का मतलब क्या हुआ? बीएसएनएल के जो वाईफाई जो लोकेशंस होते हैं उसे और स्प्रेड करना इंडिया में, ताकि लोग फ्री में क्या करें, इंटरनेट का यूज़ कर सकें। तो गूगल और बीएसएनएल के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इतना आपको लर्न करना है। और यहां पर आपको हम बीएसएनएल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। तो बीएसएनएल के चेयरमैन और एमडी हैं अनुपम श्रीवास्तवा, आपके सामने, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये भी देख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर है, द स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया साइंड एन एमओयू विथ विच कंपनी टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ स्क्वैश इन द कंट्री। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो स्क्वैश रैकेट फेडरेशन और एससीएल के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, याद होगा शायद आपको। ठीक, आगे बढ़े, इन एसोसिएशन विथ विच बैंक डिड पेटीएम लॉन्च इट फर्स्ट क्रेडिट कार्ड पेटीएम फर्स्ट कार्ड, एंड द राइट आंसर इज सिटी बैंक, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको लिस्ट ऑफ एमओयू अप्रैल की बात करते हैं, रिवीजन आपके सामने। फॉर एग्जांपल, आईबीएम ने एचडीएफसी एग्रो के साथ एक एग्रीमेंट किया, इंडिया साइन क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन, ये भी आपको मैंने पढ़ाया, इंडिया यूके साइन एग्रीमेंट टू बूस्ट इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, India and Chile signed 3 MOU in the field of mining, culture and empowerment of person with disabilities. ठीक है, तो India और Chile के बीच में agreement sign हुए थे। Tata Power और इंद्रप्रस्थ Gas Limited के बीच में agreement हुआ है। The Bureau of Indian Standard signed MOU with Indian Institute of Technology Delhi. ये भी आपको मैंने पढ़ाया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने एग्रीमेंट किया है मॉस्को एक्सचेंज के साथ, ये भी आपको मैंने पढ़ाया, ये रिवीजन है आपका। ठीक है, द इंडियन नेवी एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने एमओयू साइन किया है टू अंडरटेक ज्वाइंट रिसर्च फॉर इंडियन नेवी। एनटीपीसी साइन 2,000 करोड़ लोन फ्रॉम कैनरा बैंक, तो एनटीपीसी और कैनरा बैंक के बीच में एग्रीमेंट हुआ है 2,000 करोड़ रुपए लोन का। The Bombay Stock Exchange has signed a MOU with HDFC Bank with an objective to strengthen the BSC startup platform. तो ये सब आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, देखिए और भी बहुत सारी न्यूज हमारे पास है, तो हमारे PDF से आप इसको रिवीजन आराम से कर लीजिएगा।
ठीक है, 15 पॉइंट हमने आपको दिए हैं अप्रैल मंथ से केवल, अभी अब कंप्लीट नहीं हुआ अप्रैल मंथ पूरा, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन के लिए हमने एमओयू का पार्ट दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा हाईलाइट पे न्यूज नंबर 1 की बात करते हैं। तो एचडीएफसी कैपिटल लॉन्च हर्ट टू मेंटर रियल इस्टेट टेक्नोलॉजी कंपनीज। एचडीएफसी कैपिटल ने हर्ट टू मेंटर रियल इस्टेट टेक्नोलॉजी कंपनियों को के लिए लॉन्च किया। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पर HDFC Capital Advisors, a wholly owned subsidiary of HDFC Limited, launched a new initiative called HDFC Affordable Real Estate and Technology Program, HEART. तो HDFC Limited के अंडर में काम करने वाली कंपनी है HDFC Capital Advisor, जिसने हर्ट लॉन्च किया। देखिए जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है टेक्नोलॉजी का, हमने फिनटेक देखा, हमने एडवटेक देखा, अब रियल इस्टेट को टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाली बात यहाँ पर हो रही है। हर्ट यही करेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये पहली न्यूज़ हमारी थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि फाउंडिंग ईयर ऑफ एचडीएफसी बैंक का फाउंडिंग ईयर क्या था। तो एचडीएफसी बैंक का फाउंडिंग ईयर है इंडिया में 1994। अगर आगे बात करें तो हु इज़ द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक, क्योंकि मैं अगर MD CEO पूछूंगा तो आप आदित्य पुरी जी का नाम तुरंत ले लोगे। तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक कौन है, ये कौन है, श्यामला गोपीनाथन जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, इटालियन ओपन 2019 कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर। तो इटालियन ओपन की थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग आपस में, ठीक है। देखिए द 2019 इटालियन ओपन, ये क्ले कोर्ट पर खेला गया, रोम इटली, क्ले कोर्ट का मतलब मिट्टी कोर्ट, रोम इटली में खेला गया। 76th एडिशन था ये इटालियन ओपन का। और अगर बात करें विनर की, तो राफेल नाडाल वॉज द विनर इन मेन सिंगल एंड कैरोलिना पेलिस्कोवा वॉन द वुमेन सिंगल। राफेल नाडाल एंड कैरोलिना पेलिस्कोवा मेंस एंड वुमेन सिंगल का टाइटल जीत चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी पूरी कंप्लीट लिस्ट दे दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो इटालियन ओपन की कंप्लीट लिस्ट, मेन सिंगल राफेल नाडाल स्पेन से हैं, वुमेन सिंगल कैरोलिना पेलिस्कोवा ये चेक रिपब्लिक की हैं, किसको किसको हराया वो भी आपके सामने न्यूज़ है, ठीक है। मेंस डबल वुमेन्स डबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा बिकॉज ये विम्बलडन नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं है, तो देख लीजिएगा आपका मन आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का रिवीजन करा देते हैं। हु वॉन मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019, मेन सिंगल की बात हो रही है, इसका आंसर क्या होगा, नोवाक जोकोविक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इसका आंसर क्या होगा, जापान की है, नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक्स्ट्रा लाइट में न्यूज नंबर 3 पे लेके चलते हैं। मेघालय गवर्नमेंट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ फार्मर कमीशन। तो मेघालय सरकार ने फार्मर कमीशन बनाने की सिफारिश कर दी है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए द मेघालय गवर्नमेंट हैज अप्रूव सेटिंग अप ऑफ अ कमीशन टू लुक इनटू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर। तो मेघालय में जो फार्मर्स हैं वो कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसको लुक, इसको देखने के लिए एक पैनल को बनाया जाएगा, कमीशन को बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, फार्मर कमीशन। देखिए आपको अब और न्यूज देते हैं यहाँ पर। The proposal was made by the Agriculture Department to set up the Farmer Commission in line with the resolution passed at the Farmer Parliament. 2018 में हमारे देश में Farmer Parliament नाम का एक initiative आया था और Farmer Parliament में बोला था कि हर state को अपने पास एक commission होना चाहिए, तो उसी के recommendation पे Farmer Commission बनाया जा रहा है मेघालय में, तो ये याद कर लीजिएगा, मेघालय गवर्नमेंट Farmer Commission, ठीक। देखिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको जो बताया कि फार्मर पार्लियामेंट दिसंबर में हुआ था, तो ठीक है आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, द स्टेट ऑफ मेघालय वॉज फॉर्म इन द ईयर, मेघालय स्टेट किस ईयर में बना, ये आपसे पूछा गया और इसका आंसर क्या होगा, 1972। तो मेघालय 1972 में स्टेटहुड इसको मिला, ठीक। आगे बढ़े, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन मेघालय, मेघालय में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने, तो ये कितने हैं, 11 होने चाहिए, जी हाँ 11, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 4 की बात करते हैं। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लॉन्च 2 न्यू फॉर्मेट ऑफ द गेम, एयर बैडमिंटन एंड ट्रिपल्स। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने बैडमिंटन के खेल में दो नए तरीके खोजे हैं, एक होगा एयर बैडमिंटन, मतलब कि अभी तक बैडमिंटन एक इंडोर गेम था और अब बैडमिंटन को आउटडोर में खेला जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एयर बैडमिंटन। और ट्रिपल्स, ट्रिपल्स का मतलब आपने कितना देखा, आपने या तो बैडमिंटन खेलते हुए सिंगल देखा है, डबल देखा, लेकिन अब बैडमिंटन कोर्ट में आपको तीन तीन प्लेयर खेलते दिखाई देंगे जिसमें से एक फीमेल को होना जरूरी है। देखिए यहां पर द वर्ल्ड बॉडी गवर्निंग बैडमिंटन BFA हैज लॉन्च 2 न्यू फॉर्मेट ऑफ द गेम, एयर बैडमिंटन एंड ट्रिपल्स। द न्यू फॉर्मेट विल हैव न्यू डायमेंशन ऑफ द कोर्ट एंड एन इनोवेटिव शटल कॉक कॉल्ड एयर शटल। ठीक है, मालूम चल गया, ट्रेडिशनल कॉम्पिटेटिव
बैडमिंटन हैज बीन एन इंडोर गेम. वैसे बोला गया कि बैडमिंटन एक इंडोर गेम है, लेकिन अब इसे आउटडोर भी खेला जाएगा और इसका नाम एयर बैडमिंटन होगा. इन ट्रिपल फॉर्मेट द मैच विल बी प्लेड बिटवीन अ टीम ऑफ 3 प्लेयर्स ईच विद द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 फीमेल. तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वही न्यूज यहाँ पर है. ठीक है, चलिए. A question: Where is the headquarter of Badminton World Federation (BFA)? तो Badminton World Federation का headquarter कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया. तो इसका headquarter है क्वालालंपुर मलेशिया में. ठीक है, एक question नहीं, न्यूज़ नंबर 5 क्यों करते हैं. तो कपिल शर्मा फीटेड बाई वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड. तो कपिल शर्मा का जलवा अभी भी कायम है और इनको एक अवार्ड मिला है और ये अवार्ड आपके सामने आपको दिखाई भी पड़ रहा है. ठीक है, देखिए. तो कपिल शर्मा की बात करते हैं तो कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा हैज़ बीन एग्नोलिस्ड एज द मोस्ट व्यूड स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडिया एंड अब्रॉड बाई द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंडन. मतलब ठीक है, इनको हम भले हल्के मिले लेकिन अपने आप में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज़्यादा व्यू का एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे. ठीक है, अच्छी बात है. चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको न्यूज़ नंबर 6 की बात करेंगे. एक अवार्ड की हम बात कर रहे हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो विंस सीरी अ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. पहली बार ये अवार्ड दिया गया और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला. देखिए यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के प्लेयर हैं वॉज अवार्डेड द सीरी अ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. दिस इज रिमार्केबल फीट फॉर द पुर्तगीज इंटरनेशनल एज ही हैज़ वॉन द अवार्ड इन हिज वेरी फर्स्ट सेशन इन इटली. तो ठीक है, आपको मालूम चल गया सीरी अ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है, इतना याद करना है आपको. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. न्यूज नंबर 7 की बात करते हैं. हिमालय कंपनी का नाम सुना है. तो हिमालय मेन नेम्स विराट कोहली एंड ऋषभ पंत एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. तो हिमालय की बात करें, हिमालय ने विराट कोहली को ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है अपने मेंस जो इनका मेंस सेगमेंट है उसके लिए. तो देखिए क्या विराट कोहली ऋषभ पंत की बात यहां पर हम कर रहे हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं. तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे. हु इज अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डेनवर. तो डेनवर की बात करें, डेनवर के डीओ आप लोग आते होंगे. तो डेनवर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया. तो ये वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर हैं, साउथ के सुपरस्टार हैं, इनका नाम है महेश बाबू. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ठीक है, और अगर आगे बढ़ें जरा इसी चला दीजिएगा कंप्यूटर जी, सो गए हैं आप क्या. आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. कंप्यूटर जी नींद ले ली अपनी एक. हु इज अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोबाइल प्रीमियर लीग. मोबाइल प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है. तो ये कौन बना है, विराट कोहली. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 8 की. बजाज फिनसर्व थ्रू इट्स लैंडिंग आर्म बजाज फाइनेंस लिमिटेड लॉन्च मुंबई लोकल ट्रेन कवर. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बजाज फिनसर्व ने ऐसे लोग जो कि मुंबई लोकल में यात्रा करते हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस कवरेज लॉन्च किया है और ये इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख रुपीज़ का होगा. इसके बदले में जो ये लोग लेंगे इंश्योरेंस उनको 399 पर एनम का प्रीमियम देना है. तो बजाज फिनसर्व ने मुंबई के लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है. 1 लाख रुपीज इसमें मिलेगा अगर कुछ एक्सीडेंट आपका होता है तो, और इसके लिए आपको पर एनम का प्रीमियम देना पड़ेगा 399 रुपीज का. ठीक है, चलिए. तो बजाज फिनसर्व की बात कर लें. हु इज द चेयरमैन ऑफ बजाज फिनसर्व. तो बजाज फिनसर्व के चेयरमैन है राहुल बजाज. ऑप्शन नंबर सी. एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बजाज फिनसर्व. तो बजाज फिनसर्व का हेडक्वार्टर है पुणे में. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन न्यूज नंबर 9 की बात करते हैं. तो इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस कंप्लीटेड 1 लाख किलोमीटर विदाउट मिसिंग सिंगल ट्रिप. कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन कैंसिल हो जाती है ना. तो वंदे भारत एक्सप्रेस ने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है विदाउट एनी मिसिंग सिंगल ट्रिप. मतलब कि कभी भी इसका जो शेड्यूल है वो कैंसिल नहीं हुआ है. अपने आप में बड़ी बात है ये. देखिए तो इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस कंप्लीटेड 1 लाख किलोमीटर विदाउट मिसिंग अ सिंगल ट्रिप. ये तो मालूम चल गया. इट वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑन फरवरी 15 फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाराणसी. तो नई दिल्ली से वाराणसी इसका रूट है ये आपको बताया जा रहा है. देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनेगा. मेक इन इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर्मली लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन विच ईयर. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 25 सितंबर 2014. एक क्वेश्चन और, हाउ मेनी कोचेस इन वंदे भारत एक्सप्रेस. तो कितने कोचेस हैं उसकी बात करें तो 16 कोचेस हैं. नेक्स्ट, द इंडिजीनियसली बिल्ट हाई स्पीड ट्रेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाई द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन. ये क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है. पूछा जा रहा था कहाँ पर ये बना है, तो ये कहाँ बना है, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई में बना है. चेन्नई में ये बना, याद कर लीजिएगा. ठीक है, आइए न्यूज़ नंबर 10 की बात करते हैं. तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $420 बिलियन पहुँच गया.
तो भारत का विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो 420 बिलियन डॉलर पहुंच गया। देखिए यहाँ पर तो पहले कितना था 418.687 और अब ये 425.055 बिलियन तक पहुंच गया। इतना याद कर लीजिएगा, न्यूज टाइम थोड़ा कम हमारे पास है, न्यूज़ ज़्यादा है क्योंकि हम दो दिन का और कवर कर रहे हैं न्यूज़। देखिए यहाँ पर न्यूज़ नंबर 11, तो इन हरदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वुमेन विल हैंडल द इंटायर वर्क ऑफ काउंटिंग वोट। तो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है हरदा, वहाँ पे काउंटिंग जो सेंटर है वो पूरी तरह से वुमेन का होगा, वुमेन ही पूरी काम करेंगी। और ये अपने आप का अपने तरह का पहला इनिशिएटिव है जो कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को शो करता है, उसी के लिए ये है, ठीक है, हरदा डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिएगा। तो एमपी की बात करें, द फेमस कालिदास सम्मान फ्रॉम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज नॉट गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो कालिदास सम्मान एमपी गवर्नमेंट देती है वो किस फील्ड में नहीं देती है, तो वो लिटरेचर में कभी नहीं देती है। क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर इसमें मिलता है लेकिन लिटरेचर में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, द फेमस तुलसी सम्मान फ्रॉम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो तुलसी सम्मान फोक आर्ट्स को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट इज द लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर फ्लोइंग इन मध्य प्रदेश। तो नर्मदा रिवर जो एमपी में बहती है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो वो कितनी है 1077 किलोमीटर इज राइट आंसर सी। नेक्स्ट न्यूज नंबर 12 की बात करें, तो ऑफिशियल 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप सॉन्ग को रिलीज कर दिया गया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टैंड बाई। तो आईसीसी रिलीज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द 2019 मेंस वर्ल्ड कप स्टैंड बाई विथ लोरिन एंड रूडीमेंटल अक्रॉस ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इतना याद कर लिया, स्टैंड बाई आपको याद करना है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में होगा। एक क्वेश्चन और, हु इज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी, तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है, तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, शशांक मनोहर, ऑप्शन नंबर ए। मैंने चेयरमैन पूछा है, मैंने आईसीओ नहीं पूछा है, तो याद रखिएगा ये भी, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको अभी दे दे रहा हूँ, पीडीएफ ले लीजिए और आपसे हम मिलेंगे 3:30 पर, और 3:30 पर मिलके आपसे फिर से हम धमाल मचाएंगे। और क्या धमाल मचाएंगे, हम इंश्योरेंस और फाइनेंस की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो गाइज, आई होप कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, जो भी हम प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, धमाल मचाइए, आगे बढ़िए, कभी डीमोटिवेट मत होइए, कभी अपने आप को कमज़ोर फील मत करिए, आप बेस्ट हैं। और ये आप सोचेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ पॉसिबल अगर है तो वो केवल और केवल कॉन्फिडेंस के साथ ही पॉसिबल है। कॉन्फिडेंस होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर हमेशा रखिए, एक अच्छा इंसान बनिए और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए। जी हाँ, जिद है तो जिद है, कभी मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस, आपका दिन मंगलमय हो।